मैंने ये चेक किया कि ये वीपीएन कौन सा लगा हुआ है, वीपीएन आईपी लीक डॉट नेट पे मैं गया हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये जो आईपी है इसके ऊपर मतलब मेरा जो एड्रेस है वो कौन सा आ रहा है। अब मैं यूके का अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, यूके की कंपनी बनाई है, यूके के थ्रू गया, तो मैं पाकिस्तान डिटेल्स में एज अ रेजिडेंट शो कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान का आईपी से भी अकाउंट अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यूके की आईपी से कर लें। ठीक, Amazon Seller Central UK पे कहीं जाएंगे आप पहले। अच्छा, मुझे अपनी कंपनी, जो कंप्यूटर का जो टाइम है वो भी यूके के हाँ मुताबिक करना जरूरत पड़ेगा। नहीं है, लेकिन फिलहाल वो लॉन्गर रन आप कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। जी क्या कह सर रहे ये जो हॉक्स गूगल क्रोम की एक्सटेंशन आई थी, आप वीपीएन की पे आ सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। जी, बस बना सकते हैं ये वाला भी, ये भी मतलब ठीक है, ये भी आप करना चाहेंगे कर लें, मसला नहीं है। कंपनी का नाम क्या है? ZAMINS। एक तो मैंने कंपनी खोल ली है। ओके, ZAMINS डबल एस है। अब यहां पे मैं जाऊंगा साइन अप के ऊपर, और यहां मैं करूंगा क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, नाम बोलेंगे तो मुझे पासपोर्ट कॉपी दिखा रहा है, उसके आगे बस जो स्कैन है तो मुझे दिखा, लेकिन नाम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ZAMINS एंटरप्राइजेस, पासवर्ड लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक ZAMINS 5804। अच्छा जी, यहाँ पर आप काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पे, अगर आपने गलत चीज से यहाँ पर आप लोगों ने गलत कोई चीज सेलेक्ट कर ली, कोई गलत कंट्री सेलेक्ट कर लिया तो वो वापस नहीं आने देता आपको अक्सर। ठीक, तो यहाँ पर आपका यूके का है तो यूके भी आना चाहिए।
बिजनेस लोकेशन आपकी आनी चाहिए यूके। अगर आप लोकल खुद से कर रहे हैं, पाकिस्तानी डिटेल्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान आएगा, और यहाँ पर आना चाहिए आपका प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस अगर आप यूके लिमिटेड कंपनी। ये मेन चीजें, ये दो गलतियां होती हैं, दो गलतियां आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोकल कर रहे हैं, आप अक्सर कहा कि मेरे पास कल परसों केस आया हुआ था, उन्होंने यहाँ पे बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान लिखी और नीचे यहाँ पर वो खुद थे एज एन इंडिविजुअल, उन्होंने इंडिविजुअल नहीं क्लिक किया, उन्होंने कंपनी क्लिक कर ली, अब उनको दोबारा से करना पड़ा है, अमेज़न उसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस आना चाहिए, और इनका जो नाम है वो एग्जैक्टली यही नाम आना चाहिए जो यहाँ से आप एग्जैक्टली कॉपी करेंगे। इनके जो बिजनेस आप खोलेंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके सर्च करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि आपका बिजनेस लोकेशन आ गया और आपका प्राइवेटली ओन बिजनेस आ गया। एग्री एंड कंटिन्यू। यूके का नंबर है ना आपके पास? वाई नंबर, ठीक। ट्रांसफर वाइज की मुझे स्टेटमेंट चाहिए आपकी, वो निकालने, वो आपने पीडीएफ निकालना है उसका, या तो इस पे लॉगिन के निकालें। अब यहाँ पर कंपनी नंबर आएगा, ये वाला कंपनी नंबर, दिस इज द कंपनी नंबर, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको पास बैक जाने की ऑप्शन नहीं है, यहाँ देख रहे हैं बैक जाने की ऑप्शन नहीं है। अगर पीछे से आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे वो कंपनी नंबर मांग रहा था एक बंदे से, और वो उसने इंडिविजुअल की जगह बिजनेस सेलेक्ट कर लिया था, है बंदा वो इंडिविजुअल था, इसलिए वो दो पॉइंट्स आपने सेलेक्ट ठीक करने हैं, उसके बाद सारा प्रोसीजर आगे चलेगा, ठीक है। अकाउंट में से एक स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट आपकी ना इधर से निकलेगी डेस्कटॉप पे, या फोन पे लॉगिन कर लेंगे किसी पास ही, अपने पास ही लॉगिन कर चले मैं करता हूं। सर लेट्स सपोज बंदे से मिस्टेक हुई है फर्स्ट स्टेप पे और वो अभी वापस नहीं जा सकता, फिर वो नई ईमेल एड्रेस जी नहीं मिल सकता, जी जी बिल्कुल नहीं नहीं मिल सकता ले वो, ठीक है, वो इसको इग्नोर कर दे, अक्सर यहाँ पे वो हो जाता है। अब ये है जी, इसे दिस इज द ट्रांसफर वाइज जो कि आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो बैंक अकाउंट मिलते हैं आपको, दो नहीं मिलते, मैंने एक ही बनाया था, ग्रीन वर्जन में बनाया, बना लीजिए आपका फायदा दे, सेम डिटेल भी बनेगा। हाँ हाँ ऐसी बस चेंज, उसके तो पैसे नहीं लगेंगे इंडिविजुअल, नहीं उसके मैं खाली देता, उसके ना कार्ड, कार्ड के लेते कार्ड तो आपको मिलना ही नहीं है, और बना दें इसको, वो जरूरी है, ऐसे इसे पेमेंट पाकिस्तान में नहीं है उससे आगे नहीं। हाँ अच्छा जी, यहाँ पर ये अक्सर यहाँ से लोगों से स्टेटमेंट नहीं निकलती, तो अकाउंटिंग में जाके स्टेटमेंट्स। अच्छा ये हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफर वाइज, जो आज तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक ये है कि अमेजोन ने जो अपनी जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पार्टनरशिप के तौर पर जैसे PSP करते हैं, उसके ऊपर अमेजोन ने जो है वो कुछ लोगों को ऑथराइज किया, उसके अंदर फिलहाल जो ये ट्रांसफर वाइज है वो प्रूव नहीं हुआ, लेकिन की एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ लोगों का आया था कि जी वो तो PSP में नहीं आया अभी तक, लेकिन ट्रांसफर वाइज वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम अंडर प्रोसेस है, तो आप पेमेंट से रिसीव कर सकते हैं, ये 15 जुलाई तक का टाइम था, तो 15 जुलाई के आने वाला है, तो वो आप पेमेंट अभी ले सकते हैं,
ये रिस्की तो नहीं है ना, कोई इश्यू तो नहीं है मतलब ये ट्रांसफर हो? कोई इशू नहीं, नहीं नहीं कोई इशू नहीं, लेकिन ये होता है कि अगर आपका पेमेंट फॉर एग्जांपल अमेज़न इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हम दूसरा प्लेटफॉर्म बना लेंगे जो अमेज़न एक्सेप्ट करता है, पियोनियर बना लेंगे, आपको ऐसा बना लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाला फिलहाल उनके वर्क कर रहा है तो उस पर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसको बंद करने में रहूँगा। अभी डाउनलोड करने का मकसद ये था कि मुझे पता ही चल जाए कि ये आपके एड्रेस इस पे लिखा गया हो। अब आपको ये वाला एड्रेस आपने प्रूफ करना है, आपने ये एड्रेस आपने एज इट इज डाल दिया, प्रूफ कैसे करूं? ये स्टेटमेंट तो देनी है। ये मांग लेता है लेकिन हम यहाँ इसको नंबर लिखा डबल फोर 788-320-1219 यहाँ पर आपका नाम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जो पहले जहां पे मैंने नाम लिखा था वहां पे गलती होती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकती गलती। ये आपको आना चाहिए एज पर योर आईडी और पासपोर्ट। आप यहाँ पर पासपोर्ट सबमिट करोगे तो इसलिए आपकी वो एग्जैक्ट वही आना चाहिए। जैसे ही आप ये करें जी बोले सर, लास्ट नेम में जो है वो सरनेम लिखेंगे हम तो पासपोर्ट में मेंशन होगा। जी सरनेम, और ये वाला होगा आपका गिवन नेम, दिस इज द गिवन नेम एंड दिस इज द सरनेम, और ये आपका एग्जैक्टली स्पेल टू स्पेल मैच होना चाहिए। इसमें गलती करेंगे तो इनको यही प्रूफ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसमें सर मिडिल नेम में हम छोड़ देंगे फिर कुछ नहीं लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे, मिडिल नेम उनका आता नहीं है, मोस्टली पासपोर्ट पे नहीं आता तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। 4445581। अच्छा यहाँ पर आप लोग पाकिस्तानी नंबर भी डाल सकते हैं, डालना चाहिए आप पाकिस्तानी नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आप यूके का ही नंबर ले लें वो ज्यादा बेस्ट। सर अगर हमारा आईपी यूके का है और हम नंबर पाकिस्तानी डालेंगे तो वो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं कोई इशू नहीं। ठीक है, उसे सजेस्टेड में किया तो सजेस्टेड एड्रेस पे ठीक है, आपने पोस्ट कोड ये चीजें मैच कर लेनी है बस। अब ये आ गया आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आएगा पाकिस्तान, सिटीजनशिप में, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ में आएगा जो भी है, अगर तो फॉर एग्जांपल आप बाहर के कोई नेशनल है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी क्योंकि लाहौर पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान ही करेंगे। अक्सर लोगों की जो बर्थ है वो मस्कत में भी होती है कहीं और, तो वो अलग चूज करेंगे। कंट्री ऑफ इशुएंस भी ऑब्वियसली पाकिस्तान आएगा क्योंकि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो हम लोग, अब ये वाली एग्जैक्ट चीज ही मैच होनी चाहिए। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कंपनी डेटा से मैच होगी, पासपोर्ट नंबर मैच नहीं होगा। आपको मैंने बताया था जब कंपनी हम क्रिएट करेंगे तो वहां पे उसने पासपोर्ट नंबर हमसे नहीं मांगा।
अब कंट्री ऑफ यहाँ पर है, यहाँ पर अब हम चूज करेंगे पाकिस्तान कंट्री ऑफ रेजिडेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको भी यही जो किया होगा बस यही किया पाकिस्तान किया है आपकी क्लासेस शुरू होने से पहले बेसिकली मेरे से एक मिस्टेक ये हुई थी कि वो यूट्यूब पे वीडियो देख के ना कि वो पाकिस्तान में शुरू हो गए, तो बिजनेस लोकेशन मैंने पाकिस्तान की सिलेक्ट करके ना और इंडिविजुअल के तौर पे नेक्स्ट स्टेप पे वो पासपोर्ट नंबर की ऑप्शन तक चला गया था मैं अपनी पासपोर्ट डिटेल डाल के, ठीक है, लेकिन पासपोर्ट फिजिकली सबमिट नहीं किया उसके अंदर जो स्कैन कॉपी होती है, दोबारा कर लें उसको, तो मतलब वो ऑन फाइल शो कर रहा है उस स्टेप तक, तो मैं चाह रहा हूँ कि यूके का क्योंकि मैंने करना था जिस तरह की कंपनी उस दिन क्रिएट की थी मेरी, ठीक है, तो अब यूके की बेस पे अगर करता हूँ तो वो पासपोर्ट डिटेल्स जो ऑन फाइल उसमें दे रहा है उसका कोई मसला तो नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं, आप उसको खत्म कर दें और नए ईमेल के थ्रू बना लें, बल्कि मैं वो ऑन फाइल में चेंज की ऑप्शन थी उसमें मैंने कोई गलत पासपोर्ट नंबर डाल दिया था ताकि वो ऑन फाइल ना रहे, उसका ना नहीं आईडी, हां ठीक है आप उसको गलत कर दिए बस, ठीक है आप इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं उसको, जी ताकि उनके डेटाबेस में ना रहे, जी वो कोई इशू नहीं है, वो जब तक फाइनल अप्रूवल में नहीं जाता वो पेंडिंग में ही है। अच्छा जी, अब इनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर ये वाला एड्रेस मेरे पास आ रहा है जो एज पर बिल आ रहा है, तो मैं एज पर बिल ही करेंगे, अब यहाँ पे एस डॉट ई लिखा हुआ है तो हम एस डॉट ई ही लिखेंगे जो भी है, ये मुझे भी नहीं इसका मतलब पता लेकिन मैंने एस डॉट ई लिखना है जो इस पे एग्जैक्ट मैच है मैंने वही लिखा, ये एस सी सी का बिल है, इनके पास इलेक्ट्रिसिटी का लेस्को का बिल है लाहौर का, ठीक है मैंने इसको एग्जैक्टली जो बिल मेरे पास है मैंने वो मैच करना है इसमें, मैं रहता बेशक मैं हाउस नंबर 417 में रहता हूँ, मेरे पास जहाँ का बिल है मैंने वही देना है अमेजोन को, तो मुझे प्रूव करना है ना, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट तो यही है तो मैंने यही लिखना, ठीक है मैं रहता गुजरा वाला में हूँ, बिल मेरे पास लाहौर का तो मैंने लाहौर का ही लिखना, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर ये सब चीजें जी बोलें, कह रहे थे ना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट पे जो आपका आ रहा होता है वो भी आप दे सकते हैं, जी ऑब्वियसली वो बैंक स्टेटमेंट पे भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपने क्योंकि अब इन्होंने बिल ये निकाला हुआ है तो पाकिस्तान का वही दें जो आप प्रूव कर सकते हैं जहां का भी हो, अब एक दफा हम इसको डबल चेक कर लेंगे और फिर हम आगे चलते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल ठीक है बैंक क्लर्क अगर मैं सबमिट करवाऊं तो? जी जी वो ठीक है, अभी आगे चलते हैं ना, देखें आगे क्या मांगता है। अब यहाँ पर आप ये दोनों चीजें जो है वो क्लिक करेंगे कि ज़ारा सईद इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द बिजनेस, इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिजनेस, यस यस यस, ठीक है। अब हमारे साथ भी एक अकाउंट पे ऐसे ही हुआ था कि उसके ऊपर ये वाला टिक करना भूल गया था लड़का, एक टिक करना भूल गया था या भूल गया था या रह गया था या सिस्टम ग्लिच था कुछ भी था, तो अब वो डेढ़ साल बाद अमेज़न ने कहा कि जी इसका हमें बेनिफिशियल ओनर चूज बताएं कौन है, डायरेक्टर भी एक जैसे ये एक डायरेक्टर है उसका डायरेक्टर भी एक है, तो बेनिफिशियल ओनर ऑब्वियसली वो एक ही होता है, तो हमने कहा जी ये वाला बेनिफिशियल ओनर जो है वो सेम यही बंदा है, उस वक्त तक वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, उसकी आईडी एक्सपायर हो गई थी, पासपोर्ट नया बनवाना था, तो वो पासपोर्ट नया बनवाया तो वो जब हमें सबमिट करते थे तो वो आता था कि जी ये आप पासपोर्ट एक्सपायर आप डाल रहे हैं इसके अंदर, हालांकि पहले वो चलता है पासपोर्ट एक्सपायर वो भी चार माह हो गए अमेजोन कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही वो एक नई बेनिफिशियल ओनर की वजह से उसने मांगा हमने पासपोर्ट फिर दोबारा दिया और अब तक वो प्रूव नहीं हुआ, ये चार माह हो गए, इसलिए आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो बहुत ही केयरफुली करें हर चीज उसमें एग्जैक्ट डालें। मेरे पोस्ट कोड है ये इनके बंदे लिखा है नहीं 54,000 लाहौर का वैसे ही पोस्ट कोड होता है, मतलब पासपोर्ट मेरा लेट्स सपोज सितंबर में अगर एक्सपायर हो रहा है तो रिन्यू करवा के फिर अकाउंट बनाओ, जी न्यू करवा लें आप, बेहतर यही है न्यू करवा लें। सर ये जो मतलब हमने मार्क कर दिए इन दोनों पॉइंट्स को
लेकिन जो हमारा नॉर्मली जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होगा तो फिर उस पर भी कोई इशू हो सकता है? नहीं नहीं उस पर कोई नहीं, वो आप नई कॉपी मांग लेगा अमेज़न जब भी दिल करेगा, लेकिन वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आजकल इशू आ रहा है कि वो पासपोर्ट में देर कर रहा है वेरिफिकेशन में, जैसे आपका अकाउंट फंसा होगा ऐसे ही जो है ना वो इशू आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, मैं आगे चलूँ। ये सर पोस्ट कोड तो बिल पे मेंशन नहीं होता, तो ये हम डाल देंगे? नहीं होता, लेकिन डालना पड़ता है लाहौर का, 54,000 है तो हम लाहौर का डाल देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास दो एड्रेस हैं, अब मैंने कार्ड कौन सा डालना है और जो कार्ड में डालूंगा मुझे वो यहाँ प्रूफ करना। अब मैं कार्ड अगर डाल रहा हूँ यूके का, तो ट्रांसफरवाइज का कार्ड डालना मैंने कहा था रिकमेंडेड है, तो उसका जो बिल पोस्ट कोड है वो मैच होना चाहिए। पाकिस्तान का डालेंगे तो पाकिस्तान का कार्ड एक्टिव होना चाहिए, जो मर्जी डालें। मैंने दो एड्रेसेज अमेजोन को दे दिए हैं, तो क्योंकि मेरे पास यही है तो मैं अब यही करूँगा और अपना ट्रांसफर। अभी क्या चाहिए ट्रांसफरवाइज का कार्ड? अप्लाई नहीं किया, कर दिया अप्लाई, वो पहुंचा नहीं अभी तक, 11 जुलाई को जाएगा। सर इसमें पाकिस्तानी बैंक की डिटेल्स भी आ सकती है? ट्रांसफरवाइज की आएगी? नहीं ट्रांसफरवाइज की आएगी, कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ना आप। नहीं वो है ना, मुझे तो नहीं ट्रांसफरवाइज को। अब ये देखें कार्ड आपका आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे शो डिटेल्स और कार्ड की डिटेल भी ले सकते हैं। पासपोर्ट कार्ड में अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कार्ड अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन ट्रांसफर वाइज जो है वो कार्ड का नंबर पहले ही। अब बिलिंग एड्रेस मेरा कार्ड के साथ मैच होना चाहिए, नहीं तो आप इसी चक्कर में फंसे रहेंगे हर वक्त कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर आप अपना रखेंगे स्टोर का नेम, जैसे हमारा अभी जो मैंने अकाउंट हमने पहले ओपन किया उसका नाम राबा स्टोर लिखा था, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि आपकी कंपनी का ही नाम हो, वो जो ये कंपनी का नाम है ये जरूरी नहीं है, आप कोई भी नाम, मतलब कंपनी की रजिस्ट्रेशन इस नाम पे है, नाम आप आगे कोई भी रख लें। क्या नाम है? जी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब ये देखें जी मैंने 3 किए हैं, डू यू हैव लॉग इन और स्टोर कर दें लिमिटेड, थोड़ा वो स्टोर का नाम नहीं लगा। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है कल को आप दिल करें आप चेंज कर लें। अच्छा जी यूपीसी कोड आ गया, ये पूछा जी यूपीसी कोड है, यूपीसी कोड मींस जो यूपीसी कोड मैंने पहले क्लास में बताया था क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और जिसे कहते हैं बार कोड, तो जी हमारे पास है क्योंकि हम वो यूपीसी कोड है तो हम बेच रहे हैं। आर यू द मैन्युफैक्चरर द ब्रांड ओनर? हम ब्रांड ओनर है तो हम सम ऑफ देम कर देंगे, नो कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है हम सम ऑफ देम भी कर सकते हैं। डू यू हैव द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड? तो हम नो भी कर देंगे, यस फर्क नहीं है उसका। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करना है और आपको जो है वो अपना पासपोर्ट प्रूफ करना है। ठीक है अब यहाँ पर आप डालेंगे पासपोर्ट और यहाँ पर आप डालेंगे बैंक स्टेटमेंट डाल लें या जो है वो डॉक्यूमेंट ये वाला डाल, तब भी चल जाएगा।
कहता ये है, अमेज़न कहता ये है कि मुझे जो है वो बैंक स्टेटमेंट दें, वो बैंक स्टेटमेंट की जगह आप यूटिलिटी बिल भी एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट अगर है तो बोले पासपोर्ट अब आप खुद ही कर लीजिएगा, जैसे आप खोलेंगे तो यहीं से शुरू होगा, जैसे आप ओपन करेंगे यहीं से शुरू होगा। तो पासपोर्ट आपने कैसे बनाना है, पासपोर्ट की पहले कॉपी आपने डिलीवर करनी, सेकंड कॉपी पासपोर्ट की आपने पहले कॉपी ये पेजेस पूरे करने हैं, दोनों पेज ऐसे रख के कॉपी करना है स्कैन, ठीक है, और दूसरा आपने ऐसे रख के स्कैन करना है। तो एक आपका आ जाएगा जो वर्ड का जो फाइल आप बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, पहले पेज पे आप ये वाला रखेंगे और दूसरे पेज पे आप ये वाला रखेंगे, तो ये साइन आपने करने साइन के बगैर साइन जिसके मर्जी है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपने करके फिर आपने दोनों पीडीएफ एक्सपोर्ट करना, पीडीएफ यहाँ अपलोड करना, ठीक है, और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपने ऐसे ही करना, बैंक तो मेरा अकाउंट है ही नहीं, अपना कोई अकाउंट नहीं है, मेरा तो है मिसेस का बना रहा हूं, उसका नहीं बैंक वो ना, आप ये वाली स्टेटमेंट भी वाइज की स्टेटमेंट दे सकते हैं, पर्सनल की चल जाती है फर्क नहीं, आप इसमें ओपन अनदर अकाउंट करके ना तो पर्सनल अकाउंट भी खुलवा लेंगे, वो भी अक्सर चलता है मोस्टली चल जाती है, ठीक है, अगर नहीं चलेगी तो हम पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट दे देंगे, अगर आपके पास पाकिस्तानी भी है तो वो दे देंगे, हम यहाँ सबमिट करेंगे उसके बाद ही शुरू होगा, फिर आपसे ये वीडियो वेरिफिकेशन का पूछेगा, तो वीडियो वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ अपलोड किया है वो आपने दिखाना है निकाल के जो भी वो करेगा, और इस तरह ही इसमें हो सकता है ना भी करे, हो सकता है करे, और पासपोर्ट के पास आपके पास है तो बिल आपने कोई अपलोड करना है जो आपके पास हो। अच्छा सर एक बात पूछनी थी, ये जो हम बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे यूटिलिटी बिल, तो उस पे सर हम एड्रेस मतलब कौन सा प्रूफ करेंगे, जो पाकिस्तान वाला हम जो एड्रेस आपको ये कर है? ये वाला रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करना है हमें, सिर्फ सारा सेट लिखो यहाँ पे, सिर्फ सारा सेट लिखो यहाँ पे लिख लो, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, ट्रांसफर वाइज से निकाल लो और अपनी सर यूटिलिटी बिल का आपने कहा था ना कि आप एड्रेस एडिट कर सकते हैं उसमें, अपना नाम से या एड्रेस वगैरह कुछ करना हो उसमें,